अस्सलाम वालेकुम, मुमके पकवान में आपका स्वागत है। मैं मुमताज, मैं आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज मुर्ग मुसल्लम बनाने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। ये 600 ग्राम साफ़ की हुई चिकन है, इसे हमने धो के अच्छे से नमक और सिरके के पानी में रख दिया है। ये चिकन को मसाला लगाने के लिए मिर्ची का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून है और 1/2 टीस्पून हल्दी, गरम मसाले का पाउडर, नमक है और 1/2 नींबू है। और ये मसाले के तड़के में डालने के लिए 15 काली मिरी, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 4 इलायची, 5 लौंग और 1/2 टीस्पून साजीरा है। ये 4 टेबलस्पून दही है, 2 टेबलस्पून हम चिकन में लगाएंगे और 2 टेबलस्पून हम मसाले में डालेंगे। और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, नमक और काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी और गरम मसाले का पाउडर, ये सब हमें मसाले में डालना है। ये 8 बादाम, 8 काजू, 1/2 टीस्पून खसखस और ज़ीरा है और 1 टीस्पून धनिया और चिरौंजी है, इसे हमें भून के पीसना है। और ये 3 प्याज को हमने फ्राई करके ले लिया है, 1 टमाटर है, 1/2 नींबू है, इसे भी हमें पीस लेना है। और ये 3 अदद बॉयल अंडे है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके से। चलिए अभी चिकन को मसाला लगाते हैं। हमने एक बॉल में सारे सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/2 नींबू निचोड़ देंगे और 2 टेबलस्पून दही डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम तैयार किया हुआ मसाला चिकन में लगा लेते हैं। चिकन के कोने कोने में मसाला अच्छे से लगाएंगे और हमने जहाँ जहाँ कट लगाया है उसमें भी मसाला अच्छे से भर देंगे। चलिए अब हम चिकन फ्राई करने लेते हैं। हमने तेल को अच्छा गरम कर लिया और आँच को मीडियम कर दिया। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे और ऊपर से बचा हुआ मसाला भी लगा देंगे और इसके दोनों पैर धागों से बांध देंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है हम ड्राई फ्रूट को सिका के लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, खुशबू आने तक ही इसे भुनना है। मैंने आपको जावित्री दिखाना भूल गई, इसमें हम जावित्री का टुकड़ा भी डाल देंगे और उसे थोड़ा सिखाने के बाद इसे निकाल देंगे और इसे पीस देंगे। एक तरफ से चिकन अच्छा फ्राई हो गया है, अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे और इसे ढक्कन ढक कर फ्राई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और जूसी जूसी हो जाए। देखिए चिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम चिकन को निथार के निकाल देते हैं और उसी तेल में गरम मसाले का तड़का लगा देते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भुनने लेते हैं। अब इसमें सूखे मसाले भी डाल के इसे चला देंगे और हमने टमाटर, प्याज, ड्राई फ्रूट जो पिसा था वो भी डाल देंगे और साथ में दही भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम ढक्कन ढक के स्लो आंच पर मसाला भुनने देते हैं। देखिए मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ा पकने देंगे। फिर इसमें हम चिकन डाल देंगे और इसे ढक्कन ढक के धीमी आंच पे पकने देंगे। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है। अब हम चिकन के ऊपर मसाला डालते हैं और इसे पलट देते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरीके से जाए और चिकन में एकदम टेस्ट आ जाए। अब इसमें हम ऊपर से बॉईल किए हुए अंडे भी रख देते हैं साइड में और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 हरी मिर्ची डाला है। अब इसे हम ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा मुर्ग मसल्लम कैसा दिख रहा है। देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से मसालों में फ्राई हुआ है। अब हम इसमें मसाला ऊपर से डाल देते हैं। मुर्ग मसल्लम का मसाला थोड़ा गाढ़ा होता है क्योंकि ये ड्राई डिश है। आप इसे रुमाली रोटी, कुलचे, तंदूरी रोटी
या मटर पुलाव या ज़ीरा राइस के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसके साथ प्याज और सलाद हो तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। आप भी मेरी तरीके से मुर्ग मसल्लम बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।